एक लड़का हमारे गांव का दर्शन किया हुआ था और उसको एक ही बेटा था, और वो लड़का जो है सो उसका दो अठन्नी ले लिया और कंठ में अटक गया। अटकने के बाद अब वहाँ तो गाड़ी लेकर के गया हाजीपुर तक, हाजीपुर से कोई गाड़ी नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते गया तो देखा कि एक फटीचर गाड़ी लेकर एक बूढ़ा बैठा हुआ है, और कहा कि बेटा कहाँ, तुमको पटना जाना है ना, तो जल्दी आओ बैठ। जल्दी बैठा कर लेके पटना पहुँच गया, और पटना पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि ये 10 रुपया मेरे पास से ले ले, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है, ये पैसा से काम तुम्हारे चल जाएगा। इसका नतीजा हुआ कि कम से कम 2500 डॉक्टर उसके फ्री काम करने के लिए आ गए, और अंत में एक अमेरिका से आया था डॉक्टर जो कि कोई यंत्र लाया था जो अंदर मुंह में डालने के बाद चुम्बक के ऐसा पैसे पकड़ के निकाल दिया, और सब लोग देखते रह गए कि वो जीप कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गया। अंत में सब उन्हें ही सोचा कि गुरुदेव की ही लीला है। आनंद में 108 कुंडीय गायत्री महाजग था, और नवसारी से मंगन भाई गांधी आया था। रात को एक बैग अटैक हुआ, वो मर गया। मर जाने के बाद पंडित लीलापति जी ने कहा कि रमेश गुरु जी से कहो ना कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं जाके कहने के लिए नहीं तैयार हुआ, डर से कि गुरु जी बिगड़ेंगे, कहेंगे नहीं नहीं बिगड़ेंगे तुम जाओ। तो गए जाके गुरु जी से बोला कि गुरुदेव तो हाँ, तो मंगन भाई गांधी मर गया। तो मर गया तो क्या करें, मरने दो। फिर उठे कहीं चल देखे क्या है, साथ में आए। आ करके उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम इसके सिरहाने बैठ जा, और दोनों हाथ को इस तरह से इसको शरीर को खूब कस के दबाओ, और अपने बगल में बैठ गए और उसके छाती पर हाथ फेरने लगे। वहाँ से कम 25-30 डॉक्टर तो जरूर बैठे थे आनंद के, और सब के सब डॉक्टर जांच करके देख लिया था ख़त्म है। और उसके बाद उन्होंने छाती पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि मंगन उठ। मंगन गांधी उठ के बैठ गया। बैठ जाने के बाद सारा डॉक्टरों के दिमाग में आया कि भाई ये व्यक्ति नहीं, शक्ति हो सकता है, भगवान है, और सारे डॉक्टर लोग दीक्षित हो गए। एक दिन की और बात है कि गुरुदेव मथुरा से वृंदावन की वो रिक्शा पर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि गुरुदेव से कोई अच्छा आदमी होगा तभी न गुरुदेव उसके यहाँ जाते होंगे, तो इसलिए मैं भी रिक्शा से पीछे पीछे चला के देखे कौन आदमी है। तो जब मैं गया तो रंगनाथ मंदिर जी के बाहर में दौड़ाहा बाबा का मचान बना हुआ था, और वो मचान गुरुदेव उतरे रिक्शा से, नाव पर चढ़ के देवराहा बाबा के पास में गए। देवराहा बाबा मचान से उतर के गेट पर आ गए, और गेट पर आकर के गुरुदेव उनका पैर छूना चाहते हैं, वो इनका पैर छू रहे थे, और उसके बाद तुरंत वहीं से आज्ञा लेकर के गुरुदेव चल दिए। चल दिए उसके बाद फिर हम गए, गए तो वहाँ देखा कि बाबा के सामने एक टाटिया बाबा ब्रह्म बैठे हुए हैं, और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि बाबा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम वक्ता बन जाएं। तो देवरा बाबा कहते हैं कि बेटा तू भले ठीक है, जब वक्ता बन जाएगा बढ़िया बढ़िया माल खाएगा, माल मिलेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, साधुता से गिर जाएगा, तो तब तक हमारी ऊपर नजर पड़ेगी। उन्होंने कहा सुनो, तो गुरु का पीछा करता है, तुम पर प्यार है गुरु का, इसलिए छोड़ दिया, वो सब जानता है कि तू पीछे पीछे आए हो। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात का जवाब दीजिए आप, कि आप कोई आता है तो सर पर उसका पैर रख देते हैं, और गुरुदेव जब आए तो आप गेट पर उनका पैर आप छू रहे थे, आपका पैर वो छू रहे थे, और इसको देख करके मैं दंग रहा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम साधु हैं, अब वो है कि एक महान पुरुष हैं, हम अगर जाके दर्शन करते विंध्या मंडली में सब लोग पूछता कि भगवान है या उनको चैन से नहीं रहने देता, इसलिए मैंने प्रार्थना की थी, आराधना की थी कि आप मेरे को दर्शन दे के जाइए, वही तुम्हारे गुरुदेव दर्शन दे के गए, और यही बात है। उसके बाद मुझे एक चादर में बहुत प्रसाद बांध करके दिए, ले जाओ तपोभूमि वाले को बांट देना। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव को जो जांच में हमारे नज़र में आया, ये जीते जी भगवान ही थे।